Assalamu alaikum everyone, hope you all are fine. Today we are going to discuss about the topic of process of photosynthesis. It's from your chapter number 11, bioenergetics. This is the topic hai. So let's just begin with the topic. फोटोसिंथेसिस को अगर हम स्टार्ट करें तो एज वी ऑल नो कि फोटोसिंथेसिस जो है वो बचपन से हम इसकी डेफिनेशन एक पढ़ते आ रहे हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ अकर इन ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन प्लांट्स बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल सो दैट इज़ वाई दे आर टर्म्ड एज ऑटोट्रॉफिक दैट इज़ दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड वॉट हैपन इन फोटोसिंथेसिस बेसिकली जो रिएक्टेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं एक तो आपके पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है वाटर का मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं फ्रॉम द एयर आपको पता है कि लीफ का जो अंडर सरफेस होता है उसके अंदर देयर आर सम एरेटिंग पोर्स जिन्हें हम स्टोमेटास कहते हैं स्टोमेटा के थ्रू जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटास के थ्रू लीफ के अंदर एंटर होती है और वाटर को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉयल बाय मीन्स ऑफ रूट्स इसके अलावा ये दोनों तो इन्ग्रीडियंट्स हैं इसके अलावा चाहिए होती है इन्हें सन की लाइट एनर्जी उस लाइट एनर्जी को बेसिकली कन्वर्ट करते हैं शुगर्स में दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फूड ठीक है फूड बेसिकली इनका क्या होती है फूड होती है केमिकल एनर्जी तो फोटोसिंथेसिस को हम इस तरह भी समटाइम डिफाइन करते हैं कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बट इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए ट्रैप करने के लिए देयर शुड बी समथिंग तो प्लांट के पास ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से इट इज़ एबल टू ट्रैप दैट लाइट एनर्जी दैट इज़ व्हाट क्लोरोफिल ये ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है अच्छा सिर्फ एक यही पिगमेंट नहीं होता है इसके अलावा और बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं लेकिन क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसकी अमाउंट विद इन द लीव बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से बाकी पिगमेंट्स का कलर जो है वो मास्क हो जाता है एंड वी आर नॉट एबल टू सी दोज पिगमेंट्स बट बेसिकली बहुत सारे और पिगमेंट्स other than this chlorophyll मौजूद होते हैं right फिर इसके बाद जो है after all this process what happen food form होता है in the form of sugar and that is basically glucose इसके साथ साथ एक gas produce होती है which is oxygen जो कि liberate हो जाती है atmosphere में and which is utilized by we and other animals सो आपकी बुक में फोटोसिंथेसिस को बहुत तरीके से डिफाइन किया गया है सो लेट्स जस्ट सी दैट एक डेफिनेशन तो ये है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी जैसे अभी हमने देखा सो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बेसिकली क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ठीक है और प्राइमरली ऑब्वियसली प्लांट्स जो हैं वो ये इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर बट अदर देन प्लांट्स भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं ऐसे जो हम बहुत बार पहले अपने चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं जैसे अल्जी हैं बिकॉज वी नो दैट अल्जी भी फोटोसिंथेटिक होते हैं ये भी क्लोरोफिलर्स होते हैं सो दे आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इसके अलावा कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज भी होते हैं जैसे हमने पढ़ा था कि जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं उसकी दो टाइप्स होती हैं फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं वो भी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में सो वन वे टू डिफाइन फोटोसिंथेसिस इज व्हाट दैट देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी द अदर वे बाय विच वी कैन डिफाइन दिस प्रोसेस इज ऑन द बेसिस ऑफ एंड प्रोडक्ट अब हमें पता है कि एंड प्रोडक्ट क्या था एंड प्रोडक्ट जो था दैट वॉज एंड प्रोडक्ट में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड विच इज शुगर की फॉर्म में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है ठीक है अब उस कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए व्हाट रिएक्टेंट्स आर रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ठीक है दे आर यूटिलाइज बाय ग्रीन इल्यूमिनेटिंग सेल्स इल्यूमिनेटिंग सेल्स मतलब दे आर इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट एंड हाउ दे आर इल्यूमिनेटेड बिकॉज दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट विच इज क्लोरोफिल सो बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दीज सेल्स आर इल्यूमिनेटेड एंड As a result of that process, what happen? Water and oxygen are produced as a byproduct. ये तो बाई प्रोडक्ट्स होते ही हैं बट मेन जो प्रोडक्ट होता है वो शुगर होता है विच इज़ ऑब्वियसली जिसके लिए ये पूरा प्रोसेस कंडक्ट होता है ठीक है इसके अलावा अगर हम एनर्जी के टर्म में इसको डिफाइन करना चाहें तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल या फूड एनर्जी में ठीक है अगर हम इन टर्म ऑफ एनर्जी अगर इसको डिफाइन करें सो दैट्स व्हाट दैट इसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किस में किया जा रहा है एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है ठीक है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फूड एनर्जी और यू मे कॉल इट सिंपली केमिकल एनर्जी और ये सारा प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होता है ये पूरा प्रोसेस होता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और इसके अलावा देर आर
certain electron carriers. अब ये electron carrier क्या है, what does they exactly meant by this term, ये आपको जब हम process पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से clear हो जाएगा, ठीक है. तो ये तीन तरह से book के अंदर on the basis of transformation of one form of energy into another form of energy, then on the basis of the end product process को define किया गया है, and then on the basis of the formation of एनर्जी. और वो कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी. लाइक यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है और यहाँ पर जो एनर्जी फॉर्म्ड हो रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर विच इज केमिकल एनर्जी, उस बेसिस पर इस प्रोसेस को डिफाइन किया गया. सो अब अगर हम ओवरऑल फोटोसिंथेसिस को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना चाहें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेन डेफिनेशन लिखी हुई है दैट्स द मेन डेफिनेशन एंड दैट्स हाउ यू शुड डिफाइन दिस प्रोसेस. So let's just see this definition as well, that photosynthesis may be defined as a biochemical anabolic process. अब आपको पता है metabolism के दो processes होते हैं, एक वो होता है जिसे हम कहते हैं anabolic और दूसरा जिसे हम कहते हैं catabolic. Anabolic का मतलब होता है formation of compounds, formation of something, जबकि catabolic का मतलब होता है decomposition या breakdown of something. लेकिन अब अगर हम इस process को देखें तो photosynthesis एक anabolic process है क्योंकि इसमें किसी चीज़ की formation हो रही है, इसमें कोई चीज़ breakdown नहीं हो रही है. Instead इसमें दो चीज़ें मिलकर एक substance, एक product form कर रही हैं, that is water और carbon dioxide मिलके they are combining together and they are forming sugar. So that's the formation of sugar. So that is why it is termed as anabolic process. अब इस दौरान होता क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड. ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर की मैन्युफैक्चरिंग होती है. कैसे होती है, बाय द टू रिएक्टेंट्स दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है. और ये सारा प्रोसेस होता कहाँ पर है, ये क्लोरोफिलस सेल्स के अंदर होता है. देखें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हर टाइप ऑफ सेल के अंदर नहीं हो सकता है, डेफिनेटली सी बात है. प्लांट के अंदर बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो स्टोरेज सेल्स होते हैं, बहुत सारी सेल्स होते हैं जो कंडक्टिंग वेसल्स बनाते हैं जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं. तो बहुत तरह के टिश्यूज और सेल्स होते हैं, तो उनमें से जो क्लोरोफिलस सेल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस सिर्फ इन्हीं के अंदर हो सकता है. और क्लोरोफिलस और क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, क्लोरोफिल हमें पता है कि जो सेल का ऑर्गेनल है विच इज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल उसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है. एंड ऑल दिस प्रोसेस हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑब्वियसली बिकॉज इट बेसिकली तो लाइट एनर्जी है ना जिसको कन्वर्ट किया जा रहा है केमिकल एनर्जी में, और एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होती है. सो दैट्स हाउ यू कैन ओवरऑल डिफाइन फोटोसिंथेसिस, ठीक है. ओके, इन एडिशन टू वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट एनर्जी, ठीक है. इन तीनों चीज़ों के अलावा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज पिगमेंट. अब ये जो हमने क्लोरोफिल की बात की है ये बेसिकली पिगमेंट ही है, ठीक है. और पिगमेंट क्या होता है, लाइट पिगमेंट्स क्या होता है, दे आर बेसिकली द सब्सटेंस विच बेसिकली एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, ठीक है. जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और क्लोरोफिल प्राइमरी लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है. अब देखो ना, बचपन से हमने फोटोसिंथेसिस में अगर किसी पिगमेंट का नाम सुना है तो वो क्लोरोफिल ही है. क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल एक प्राइमरी लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है. इट इज बेसिकली द पिगमेंट विच इज एब्जॉर्बिंग द लाइट एनर्जी. अदर देन सो मेनी अदर पिगमेंट्स, मेन पिगमेंट आपके पास क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है. और क्लोरोफिल किसके अंदर मौजूद होता है, वी नो दैट देयर इज एन ऑर्गेनल इनसाइड द प्लांट सेल दैट इज क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट के सेल के अंदर ही मौजूद होता है, या वो स्पीशीज जो कि फोटोसिंथेसिस करती हैं जैसे अल्गल स्पीशीज हैं या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं. खैर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बिकॉज आपको पता है बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. सो इफ़ यू रिमेंबर बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कुछ इन्वेजिनेशंस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मीजोसोम्स, इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, ठीक है. ये जो इन्वेजिनेशंस हैं, दीज इन्वेजिनेशंस आर बेसिकली मीजोसोम्स. इन मीजोसोम्स के अंदर बेसिकली ये क्लोरोफिल के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जहाँ पर ये पूरा प्रोसेस कंडक्ट होता है. सो पिगमेंट्स जो होते हैं बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है. अब बहुत सारे पिगमेंट्स ऐसे हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. सी वी नो के प्लांट के पास जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं लाइट, वो सनलाइट से करते हैं, और सनलाइट की लाइट को हम कहते हैं वाइट लाइट, ठीक है. वाइट लाइट के अंदर बेसिकली इफ़ यू हैव स्टडीड, आपने अपनी केमिस्ट्री के चैप्टर में भी पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 3 में, कि जो वाइट लाइट होती है, जो स्पेक्ट्रम होता है वाइट लाइट का, उसके अंदर बेसिकली
ये 7 कलर होते हैं जिसे हम कहते हैं विबग्योर, ठीक है, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो अब फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल इस पूरी के पूरी लाइट यानी तमाम कलर्स ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है. इसमें से कुछ कलर्स ये एब्जॉर्ब करता है और बाकी कुछ कलर्स को ये रिफ्लेक्ट बैक कर देता है. जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल है, अब क्लोरोफिल कौन से कलर को रिफ्लेक्ट करता है? क्लोरोफिल बेसिकली ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है. दैट इज व्हाई वी आर एबल टू सी द कलर ऑफ प्लांट एज ग्रीन, क्योंकि वो कलर हमारी आईज में रिफ्लेक्ट होता है. दैट इज व्हाई वी आर एबल टू सी दैट कलर. ठीक है, सो द कलर्स दैट आर रिफ्लेक्टेड बैक आर द वंस, बेसिकली दोज आर द वंस व्हिच वी आर एबल टू सी. सो वाइट लाइट में से कुछ स्पेक्ट्रम जो वेव जो लाइट के कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट हैं वो प्लांट के जो ये पिगमेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी कुछ कलर्स को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं इन टू आर आईज व्हिच वी आर एबल टू सी दैट. Okay, so there are several other pigments in the thylakoid membrane. Most important are what? Most important are this chlorophylls, chlorophyll A. अच्छा, chlorophyll की भी ना बहुत सारी types होती हैं. Basically, आपकी book में दो mention हैं. That is chlorophyll A and chlorophyll B. दोनों में खास कोई difference नहीं है. दोनों के chemical formula में difference होता है. इनके formulas आपकी book में भी mention होंगे. So you could see that. आप वहाँ पर इनके formulas भी check कर लो. इनमें सिर्फ hydrogen और oxygen के numbers में थोड़ा बहुत difference होता है. ठीक है? क्लोरोफिल ए क्या करता है, ये बेसिकली रेड लाइट और वॉयलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये ज्यादातर कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. जबकि अगर हम क्लोरोफिल बी को देखें, ये भी बिल्कुल क्लोरोफिल ए की तरह ही काम करता है और ये ज्यादातर कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है. इसके अलावा वॉयलेट को भी एब्जॉर्ब करता है, ऑरेंज लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है. और ये रिफ्लेक्ट कौन सी लाइट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन. इसके अलावा ये येलो लाइट भी रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, इसके अलावा क्लोरोफिल के अलावा भी कुछ पिगमेंट्स होते हैं जैसे कैरोटेनॉइड्स. अब कैरोटेनॉइड्स क्या करते हैं, ये ब्लू और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. आप देखो क्लोरोफिल ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है जबकि कैरोटेनॉइड्स जो है वो ब्लू और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ये रिफ्लेक्ट करते हैं येलो, ऑरेंज और रेड लाइट. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सीन इन द ऑटम, ऑटम में आपको लीव्स के जो कलर्स हैं वो ऑरेंज, रेड, ऑरेंज, येलोइश कलर के नजर आते हैं. क्यों? बिकॉज उस वक्त आपको उसकी बिकॉज एट दैट मोमेंट एट दैट टाइम लीव्स के अंदर वो क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो लो टेम्परेचर की वजह से क्लोरोफिल डी नेचर हो जाते हैं, क्लोरो जिसकी वजह से क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है लीव्स के अंदर. अब जब क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है तो उसके अलावा जो पिगमेंट्स होते हैं वो फिर विजिबल होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि यूजुअली क्लोरोफिल की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है कि जो बाकी पिगमेंट्स होते हैं ना उनका कलर मास्क हो जाता है. वी आर नॉट एबल टू सी सच पिगमेंट्स बट दे आर प्रेजेंट देयर इन द लीव्स. बट जैसे ही ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, ऑब्वियसली जब विंटर के बाद ऑटम आते हैं तो लो टेम्परेचर की वजह से क्लोरोफिल डी नेचर हो जाता है जिसकी वजह से कैरोटेनॉइड्स जैसे ये पिगमेंट्स जो कि कैरोटेनॉइड्स हैं, वी आर एबल टू सी द कलर ऑफ सच पिगमेंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए. ठीक है, अच्छा, अब क्लोरोफिल, वी नो कि क्लोरोफिल मौजूद कहाँ पर होता है. तो आप सबको पता है कि प्लांट के सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं क्योंकि प्लांट एक यूकैरियोटिक सेल है. तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं. तो उसमें से एक ऑर्गेनल आपके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है. अब अगर आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, वी हैव डिस्कस इट इन चैप्टर नंबर 4, अगर आपको याद हो तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है, इफ यू कुड सी, ये इसकी जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है. ठीक है, एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन. इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, लाइक ये जो स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इस सिंगल स्ट्रक्चर को, ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है, दिस सिंगल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज थायलाकोइड स्ट्रक्चर. ठीक है, इस एक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थायलाकोइड. लेकिन जब ये थायलाकोइड एक के ऊपर स्टैक करता है और ये एक स्टैकिंग फॉर्म कर लेता है, इस पूरे स्टैक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रैनम. ठीक है, इस एक पूरे स्टैक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रैनम. और अगर हम बात करें इस ग्रैनम की भी और इस ग्रैनम की भी और ये सारे ग्रैनम को अगर हम एक साथ बोलेंगे तो इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं ग्रैना. ठीक है, ग्रैना इज द प्लूरल ऑफ ग्रैनम, राइट. इफ यू कुड सी दैट वन ग्रैनम इज कनेक्टेड टू द अनदर ग्रैनम बाय दिस स्ट्रक्चर, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लैमेला. इसको हम कहते हैं लैमेला. Okay, so this one structure is called as thylakoid and the stacked structure is called as granum. Iske alawa, if you could see, iske bahar, in granum ke bahar, ye jo sara space hai, it is filled by a fluid.
it is filled by a fluid substance and that is called as what? Stroma. इस fluid filled substance को ये जो fluid मौजूद होता है इसे हम कहते हैं basically stroma. इसके अंदर बहुत सारी gases, बहुत सारे substances जो हैं वो dissolved form में होते हैं. अब आगे जाके जब हम discuss करेंगे dark reaction को तो फिर you would be able to see कि stroma के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. Basically stroma के अंदर क्योंकि photosynthesis के दो phases होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं light reaction और एक जिसे कहते हैं हम dark reaction. जो light reaction होता है वो basically इस thylakoid के अंदर होता है और जो dark reaction होता है that happens in this stroma, यानी इस fluid के अंदर होता है, right? So let's just begin with the topic. अब ये जो chlorophyll है, इस chlorophyll के structure को अगर हम देखें, तो इतना detail में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका basic आप ये check कर लो कि chlorophyll के basically दो parts होते हैं, दो regions होते हैं, एक जैसे हम कहते हैं head region, ठीक है? ये वाला जो ऊपर वाला portion है, ये पूरा portion, this is called as head region, और ये पूरी इसकी tail region है. ठीक है, टेल रीजन इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन टेल. और अगर हेड रीजन में आप देखें तो बाकी मेन चीज़ों में जाने की आपको बाकी पूरा स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है. आप मेन मेन चीज़ें देख लें, लाइक सेंटर में इनके पास क्या मौजूद होता है, मैग्नीशियम मौजूद होता है और साइड में ये फोर पायरोल की चेन्स मौजूद होती हैं. इसे ओवरऑल हम कहते हैं पॉर्फायरिन रिंग. ठीक है, तो ये पूरा हेड रीजन है और नीचे इसका जो है वो टेल रीजन है. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. ठीक है, इनमें इनके फॉर्मूला में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. फिर अब ये जो क्लोरोफिल है, लाइक हमें पता है कि हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, बट वो एक्चुअली वो क्लोरोफिल कहाँ पर मौजूद होता है, वो क्लोरोफिल बेसिकली कहाँ पर मौजूद होता है? तो क्लोरोफिल मौजूद होता है एक अदर सब्सटेंस में जिसे हम कहते हैं फोटोसिस्टम. दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज फोटोसिस्टम. यहाँ पर इसके अंदर बेसिकली क्लोरोफिल और इसके अलावा और जो दूसरे पिगमेंट्स होते हैं वो सारे इस फोटोसिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं. अब आप देखो, ये आपके पास है क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको पता है कि ये सारे क्या हैं, आपके पास स्टैक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं ग्रैनम. और ग्रैनम, सॉरी ये अलग से बन गया, बट ऑब्वियसली ये एक साथ स्टैक्ड होता है. ठीक है, और इसके एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थाइलाकोइड. ठीक है, अब इस थाइलाकोइड को अगर मैं बाहर निकालूं तो ये है आपके पास थाइलाकोइड. ठीक है, ये जो है वो बेसिकली थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन. दिस इज कॉल्ड एज थाइलाकोइड मेम्ब्रेन. इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर ये फोटोसिस्टम्स लगे होते हैं. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल ये फोटोसिस्टम लगा हुआ है, ये फोटोसिस्टम लगा हुआ है. तो ये फोटोसिस्टम लगे होते हैं इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर और इस दिस इज द लोकेशन वेयर एक्चुअली क्लोरोफिल इज प्रेजेंट. हम कहते हैं ना कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पे क्लोरोफिल होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो ग्रैनम है, ग्रैनम के अंदर ये जो एक थाइलाकोइड है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर जो ये फोटोसिस्टम होते हैं, इस फोटोसिस्टम की इस फोटोसिस्टम के अंदर बेसिकली क्लोरोफिल और बाकी सारे दूसरे पिगमेंट मौजूद होते हैं. आई होप दैट इज क्लियर. ठीक है, अच्छा, दिस इज बेसिकली द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन. और उसके अलावा ये जो अंदर वाला रीजन होता है इसे हम कहते हैं ल्यूमेन. ये अंदर वाले रीजन को हम कहते हैं ल्यूमेन, राइट? सो अब थोड़ा सा फोटोसिस्टम के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. नाउ व्हाट इज फोटोसिस्टम? फोटोसिस्टम बेसिकली इज अ स्ट्रक्चर, इज अ सब्सटेंस विच इज कंटेनिंग क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट लाइक कैरोटेनॉइड और जो दूसरे पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी. अब इस फोटोसिस्टम के दो पार्ट्स हैं. एक वो पार्ट है जिसे हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर. ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज रिएक्शन सेंटर. और दूसरा जिसे हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स, ये दूसरा रीजन है एंटीना कॉम्प्लेक्स. इस एंटीना कॉम्प्लेक्स के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो इस एंटीना कॉम्प्लेक्स को हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. नाउ सबसे पहले आपने इसी एंटीना को देखना है, विच इज कॉल्ड एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जितने भी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली हैं आपके पास क्लोरोफिल और बाकी दूसरे पिगमेंट्स. ठीक है, ये देख सकते हो आप कि एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं. इस पिगमेंट मॉलिक्यूल के अंदर क्लोरोफिल ए और बी के भी मॉलिक्यूल्स हैं और कैरोटेनॉइड्स भी हैं. कैरोटेनॉइड्स में जो है फॉर एग्जांपल कैरोटेनॉइड्स हैं, इसके अलावा एक और तरह के पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फाइकोबिलिन. ठीक है, तो ये सारे पिगमेंट्स इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद होते हैं. अब जैसे ही लाइट, यू कैन सी लाइट एनर्जी इन पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर, लाइट इन पिगमेंट्स के ऊपर हिट करती है तो लाइट ट्रेवल करती है मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल. लाइक फॉर एग्जांपल लाइट ओवरऑल इस पूरे फोटोसिस्टम के ऊपर हिट कर रही है. ठीक है, तो लाइट मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल के ऊपर हिट करेगी तो लाइट यहाँ से बाउंस होके और वो पहुंच जाएगी इस सेंटर वाले रीजन में, इस सेंटर वाले रीजन जिसको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर. ठीक है, रिएक्शन सेंटर के अंदर दो चीज़ें हैं,
एक जिसे हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल, और दूसरा जिसे हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसके अंदर दो चीजें, ठीक है, वन इज रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल, ये बेसिकली क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है, राइट, ये क्लोरोफिल ए होता है। अच्छा, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल जो है वो एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन ये जो रिएक्शन सेंटर वाला क्लोरोफिल ए होता है इसके साथ कुछ एसोसिएटेड बाउंडेड प्रोटीन्स भी होती हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्पेशल किस्म का क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। इसके अलावा ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, अब इसका नाम ही बता रहा है कि ये क्या है, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज द वन जिसका काम है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। कौन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, ये मैं भी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो एंटीना कॉम्प्लेक्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट को कैप्चर करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और उसे बाउंस करते करते पहुंचा देंगे रिएक्शन सेंटर वाले क्लोरोफिल तक, ठीक है। जैसे ही रिएक्शन सेंटर तक ये लाइट एनर्जी पहुंचेगी, अच्छा रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल ए मौजूद है लाइट एनर्जी उस पर भी हिट कर रही है, ऐसा नहीं कि उस पर हिट नहीं कर रही है, ऑब्वियस सी बात है ना कि पूरे क्लोरोप्लास्ट पर हिट कर रही है, तो पूरे फोटो सिस्टम के ऊपर हिट कर रही है, तो जब बाकी मॉलिक्यूल्स के ऊपर हिट कर रही है तो सेंटर वाले मॉलिक्यूल के ऊपर भी हिट करेगी, तो यहाँ पर भी हिट कर दी है, ठीक है। जब ये सारी की सारी लाइट एनर्जी रिएक्शन सेंटर वाले क्लोरोफिल के अंदर पहुंचती है तो क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाता है। अब सी आपने ये पढ़ा होगा कि अपने अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में आपने ये पहले भी पढ़ा होगा कि एक एटम के ऊपर जब हाई एनर्जी हिट करती है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एटम, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन है और ये इसका सेकेंड शेल है, ठीक है। अब इस एटम के ऊपर जब हाई एनर्जी हिट करेगी तो ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है जो कि अपने फर्स्ट शेल में मौजूद है, अच्छा फर्स्ट शेल इसकी लोकेशन है, तो इस शेल को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ये इसकी कहलाएगी ग्राउंड स्टेट। अब जैसे ही इसके ऊपर हाई एनर्जी हिट करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट हाई एनर्जी, और ये एक्साइट होके पहुंच जाएगा अपने एक शेल से, फॉर एग्जांपल अगर ये फर्स्ट शेल में मौजूद है तो ये पहुंच जाएगा सेकंड शेल में, तो ये वाली जो लोकेशन है इसकी, अब सेकंड शेल वाली, इसे हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, ठीक है। अब जैसे ही वो एनर्जी को लूज करेगा तो वापस से ये अपनी एक्साइटेड स्टेट को छोड़ के ये आ जाता है वापस से ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। सो जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर भी इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी हिट करेगी, ऑब्वियसली आप देखो ना, एक तो इसके ऊपर अपनी भी एनर्जी हिट कर रही है और वो बाकी जो क्लोरोफिल के पिगमेंट्स हैं या कैरोटेनॉइड्स के जो पिगमेंट्स हैं उन सब ने भी जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो सारी की सारी भी रिएक्शन सेंटर तक पहुँच रही है। तो जब इतनी ज़्यादा एनर्जी इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर हिट करती है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं और वो ग्राउंड स्टेट छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आए, उससे पहले ही यहाँ पर मौजूद एक अदद प्रोटीन जिसका नाम है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। यानी इससे पहले कि वो इलेक्ट्रॉन वापस से ग्राउंड स्टेट में जाए, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। सो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में नहीं जा पाता है, ठीक है। अच्छा, क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, क्लोरोफिल का डाइमर होता है। डाइमर का मतलब है कि दो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि दो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं तो दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास टू इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है। ये टोटल काम है इस फोटो इस आपका इस फोटो सिस्टम का, ठीक है। फोटो सिस्टम के अंदर जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है जिसे हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, सी इसको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसीलिए कह रहे हैं ना क्योंकि ये लाइट को हार्वेस्ट करके इसको पहुंचा देते हैं इस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। सी अब ऐसा क्यों होता है, हम इस बात को भी थोड़ा सा देखते हैं कि क्यों जो है वो लाइट बाउंस करके सेंटर रीजन तक पहुंच रही है, क्योंकि लाइट एनर्जी जो है दैट इज कंटेनिंग वेरी हाई एनर्जी। तो जब इतनी ज्यादा हाई एनर्जी डायरेक्टली क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को हिट करेगी, सारी की सारी लाइट एनर्जी अगर एक साथ इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को हिट करेगी तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर डीनेचर हो सकता है बिकॉज ऑफ सो मच हाई लाइट एनर्जी के साथ, आपको पता है उसका हाई टेम्परेचर भी होगा, तो उस हाई लाइट एनर्जी की वजह से क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल डीनेचर हो सकता है। बट जब इस तरह से बाउंस होकर लाइट एनर्जी रिएक्शन सेंटर तक पहुंचती है तो बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलरेडी लॉस हो जाती है ड्यूरिंग दिस मूवमेंट of light energy from one molecule to another molecule. अब आप देखो light energy for example यहाँ से यहाँ अगर travel कर रही है तो इस दौरान बहुत सारी energy lost हो रही है। तो फाइनली जो एनर्जी क्लोरोफिल ए तक पहुंच रही होती है वो इतनी ज्यादा हाई एनर्जाइजिंग नहीं होती है जिससे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर हो सके, ठीक है। सो दैट इज व्हाई फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो लाइट हार्वेस्टिंग का काम करता है। आई होप दैट इज क्लियर।
ये एक और पिक्चर है फोटो सिस्टम की, एक बहुत क्लियर पिक्चर है, वो आपकी बुक की पिक्चर है, दिस वॉज द पिक्चर ऑफ योर बुक. लेकिन मैं जो आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगी वो इस पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी, बिकॉज दिस इज अ मच बेटर डायग्राम. ठीक है, बात वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बात वही है. आप ये देखो, ये जो रीजन है दिस इज बेसिकली दिस इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. ये कौन सा रीजन है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. ठीक है, जिसके अंदर ये जो आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं ये हैं आपके पास पिगमेंट मॉलिक्यूल. पिगमेंट्स के अंदर क्लोरोफिल ए बी कैरोटेनॉइड्स साइकोबिलिन ये सारे पिगमेंट्स मौजूद हैं. ठीक है, ये जो आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है, आप ये देखो, ये थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन नजर आ रही है जिसके ऊपर ये फोटो सिस्टम मौजूद है. ठीक है, अब लाइट एनर्जी जैसे ही इन क्लोरोफिल और पिगमेंट्स को हिट करती है और लाइट एनर्जी पहुंच जाती है सेंटर रीजन में, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन सेंटर. इस रिएक्शन सेंटर में कौन कौन मौजूद है? आप ये देखो, क्लोरोफिल ए का स्पेशल पेयर कह लो या डाइमर कह लो, बात एक ही है. क्लोरोफिल ए का होता है, ठीक है, क्लोरोफिल बी का नहीं होता है, क्लोरोफिल ए का डाइमर मौजूद होता है. सो जैसे ही लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ए के डाइमर तक पहुंचती है, दोनों से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं. ठीक है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, यहाँ से भी, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं. और ये दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके होते ही एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं बाय दिस प्रोटीन. ये जो प्रोटीन मौजूद है, इस प्रोटीन को हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ठीक है, अच्छा, ये जो पूरा आपको ये अंदर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये थायलाकॉइड का ल्यूमेन है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल ये थायलाकॉइड है, तो थायलाकॉइड का जो अंदर ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर ये फोटो सिस्टम मौजूद है, और ये अंदर वाला जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन. और जो बाहर वाली स्पेस है, ऑब्वियसली आपको पता है कि ये थायलाकॉइड मौजूद है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का के जो ये आपको मैंने भी बताया था कि ये जो फ्लूइड वाला रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. ठीक है, सो ये बाहर वाला रीजन जो है वो आपके पास सी दिस इज द स्ट्रोमा, और ये जो थायलाकॉइड के अंदर वाला रीजन है दैट इज थायलाकॉइड ल्यूमेन. आई होप यहाँ तक क्लियर है. ठीक है, अच्छा, वन मोर थिंग यू नीड टू नोट डाउन हियर, जो फोटो सिस्टम होता है ये बेसिकली होता है दो टाइप्स का. एक जिसे हम कहते हैं फोटो सिस्टम वन, इसको हम लिखते हैं इस तरह से, फोटो सिस्टम वन. ठीक है, और दूसरा आपके पास होता है फोटो सिस्टम टू. अच्छा, जो आपके पास ये जो वन और टू है, ये बेसिक ये सिर्फ शो करता है कि पहले कौन डिस्कवर हुआ. फोटो सिस्टम वन ये शो करता है कि पहले ये डिस्कवर हुआ था, और फोटो सिस्टम ये शो करता है कि सेकंड दफा ये, मतलब ये सेकंड दफा डिस्कवर हुआ था. इसके अलावा एक और डिफरेंस दोनों में ये है कि जो फोटो सिस्टम वन है ये एब्जॉर्ब करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट 700 नैनोमीटर. ठीक है, लाइट की आपको पता है वेवलेंथ क्या होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि दिस इज द वेव स्ट्रक्चर. ठीक है, ये जो ऊपर वाला रीजन होता है दिस इज कॉल्ड एज क्रस्ट, और ये जो नीचे वाला होता है दिस इज कॉल्ड एज ट्रफ. तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेकेटिव क्रस्ट और टू कंजेकेटिव ट्रफ, इससे हम कहते हैं वेवलेंथ. ठीक है, तो ये होती है बेसिकली वेवलेंथ. जो फोटो सिस्टम वन होता है वो एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट को, जबकि जो फोटो सिस्टम टू होता है ये एब्जॉर्ब करता है लाइट जिसकी वेवलेंथ होती है 680 नैनोमीटर. अब आप देखो, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है वेवलेंथ में, बट दिस इज द बेसिक डिफरेंस. अक्सर MCQs में जो है वो दिस इज वन ऑफ द हॉट फेवरेट MCQ ऑफ एन एग्जाम्पल. सी, सो दिस इज वॉट ऑल अबाउट कि फोटो सिस्टम दो तरह के हैं, दैट इज फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू. ठीक है, इसको हम इस तरह भी समटाइम लिखते हैं, लाइक इसको हम P700 भी लिखते हैं. P700 का मतलब है कि हम फोटो सिस्टम वन की बात कर रहे हैं, और फोटो सिस्टम टू को हम इस तरह भी लिखते हैं P680, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम फोटो सिस्टम टू की बात कर रहे हैं. और इसमें P सिंपली स्टैंड फॉर पिगमेंट, P का मतलब है पिगमेंट. ठीक है.